दोस्तों असी पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ललकार तो हाँ तो थोड़े नाल दो मिनट कुछ बहुत ही जरूरी गल्लां सांझियां करनियां ने। इस करके इस वीडियो नूं अंत तक जरूर देखियो। तुसी जानदे हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी दा रौला पिया है कि केंद्र सरकार इहनू पूरी तरह केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाउणा चाहुंदी है ते उस दे खिलाफ पंजाब दीआं 10 विद्यार्थी जथेबंदियां ने 9 जून नूं इक सूबा पद्धरी मुजाहरा भी कीता। उस मुजाहरे तो बाद लगातार सोशल मीडिया दी तस्वीरां देख के बहुत सारे जिहड़े चाहुण वाले लोग ने पंजाब यूनिवर्सिटी नूं पंजाब नूं ते विद्यार्थियों के संघर्षां दे हमायती उन्हां दे लगातार सानूं फोन आ रहे ने, सुनेहे आ रहे ने, हमायत लई भी आ रहे ने, चिंता लई भी आ रहे ने। तां असीं सारिआं दा दिलों धन्नवाद करना चाहुंदे आ। सारिआं नूं कहना चाहुंदे आ जिहड़े विद्यार्थी ने उह चढ़दी कला दे विच ने, चाहे उदण पुलिस ने तशद्दद कीता, किन्ने ही जख्मी होए, पर विद्यार्थी जिहड़े उह हौंसले दे विच ने। ते इह सिर्फ इक शुरुआत आ, उह सिर्फ इक चेतावनी रैली सी, संघर्ष मुक नहीं गया। तां उस तों बाद उस संघर्ष 9 जून नूं जो साडे नाल वादा कीता सी पंजाब सरकार दे नुमाइंदिआं ने कि अगले दिन सीएम हाउस साडे नाल मीटिंग होगी, तां जदों साडे नुमाइंदे उत्थे गए आ, मुख्यमंत्री भगवंत मान दे ओएसडी दे नाल साडी जो मीटिंग हुई उहदे विच उहनां दा बहुत ही बेशर्मी भरिया रवैया रहा। उन्हां ने तां इह कहा कि सानूं तां इहदे मसले बारे नहीं पता, इह किन्ना कु गंभीर मसला, सानूं इहदी जानकारी नहीं हैगी। पंजाब दे विच छोटे छोटे स्टिंग ऑपरेशन करके स्कूलां दे मास्टरां दे उत्ते छापे मार के जिहड़े सिक्ख्या नूं बचाउण दे दावे करदे ने, उह पंजाब यूनिवर्सिटी नूं खोहण दी जिहड़ी एड्डा हमला हो रिहा उहदे ते अणजाण बणन दी कोशिश कर रहे ने। इहनां दी नीति मोदी सरकार दी नीति है। सारे देश च लोकां दे हक्कां ते हमले करन वाले, लोकां दे उत्ते तशद्दद ढाउण वेले मोदी वालों, प्रधानमंत्री वालों कदे कोई एक बयान तक नहीं आउंदा। ते अज उही पंजाब दी इस आम आदमी पार्टी सरकार ने कीता है कि इन्ने दिनां तों, दो हफ्ते तों उपर हो गया सी, इन्हां ने पंजाब यूनिवर्सिटी लई एक बयान तक नहीं दिता। पंजाब दे विद्यार्थी जदों अपने इस हक दे लई खड़े होए चंडीगढ़ वल नूं आए, तां इह पता है भगवंत मान सरकार नूं कादे लई आया, ते उत्थे पुलिस ला के उन्हां नूं रोकण लई, डकण लई जरूर आ सकदे ने, पर अजे तक उस मार्च तों बाद वी, साडी मीटिंग तों बाद वी अजे तक भगवंत मान सरकार दा इहदे उपर कोई बयान नहीं आया, उन्हां दे सिक्ख्या मंत्री दा कोई बयान नहीं आया, उन्हां दे 92 MLA दा कोई बयान नहीं आया। ते कल OSD ने सिर्फ इह लारा ला के कि इस मसले ते असीं जानकारी लवांगे ते भगवंत मान दे नाल मुख्यमंत्री दे नाल आउण वाले दिनां च कोई मीटिंग करावांगे, जिहदा ना कोई समां दित्ता गया, ना कोई मिथी गई, कुछ भी नहीं कीता गया। तां असीं इह समझदे हां अजे तक इक लारा है भगवंत मान सरकार दी, चुप्पी भी दस रही सी किधर खड़े आ, ते हुण तक इह मसला जदों पंजाब दे कोने कोने ते पहुंचिया, लोकां दी एड्डी आवाज उठी आ, उदू बाद भी हले तक भगवंत मान सरकार दा उही रवैया इह दस रहा है कि केंद्र सरकार दे नाल खड़े ने। इस करके दोस्तो उह सारे लोग जिहड़े पंजाब यूनिवर्सिटी नूं चाहुण वाले आ, पंजाब दे हितां दी राखी करना चाहुंदे आ, उन्हां सारिआं नूं असीं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ललकार वल्लों अपील करना चाहुंदे आ वी दोस्तो ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।